हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमआर वुमेन वर्सेस एसएस वुमेन के होने वाले मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच के बारे में बात करें तो ये मैच स्टार्ट होने में लगभग 14 घंटे 48 मिनट बचे हैं दोस्तों। तो पहले आपको मैं वीडियो में क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो वीडियो में आपको पहले तीन चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, वो है पिच के बारे में, उसके साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, और एवरेज स्कोर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये तीनों चीज आपको जानना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक बने रहना दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हम। अगर दोस्तों पिच के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये बॉलिंग का अच्छा सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है तो बॉलिंग की फैसला करेगा, उसके साथ साथ ये पिच आपको नेचुरल रहेगा दोस्तों। तो नेचुरल का मीनिंग है दोस्तों, आपको बैलेंसड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छा पिच होगा, उसके साथ साथ एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, 110 या 105 के बीच में स्कोर बन जाएगा दोस्तों। यही है, तीनों चीज मैं एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ साथ आपको ये भी कर लेना होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना होगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है, आपको कोई फाइनल टीम चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बाय मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं होता तो आपको टेलीग्राम में चल जाना है। इस तरह टेलीग्राम में जाके इस तरह आपको सर्च करना होगा @jehofantasy करके। तो मैं सर्च कर रहा हूँ दोस्तों, सर्च करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको शो हो रहा है दोस्तों, आपको पहले आपको सही से सर्च करना होगा @jehofantasy करके। तो सर्च करते ही दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, जो 75 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, और नीचे में दो अकाउंट्स और भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये दोनों अकाउंट जो है दोस्तों, ये दोनों फेक अकाउंट्स हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल नाम से दोनों ने बंदों ने फेक अकाउंट्स बना लिए। तो इससे आपको दूर रहना है दोस्तों, फेक अकाउंट है और फेक टीम में देगा तो उसके वजह से आप जरूर लॉस हो सकते हैं। तो ये अच्छा नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल में फॉलो हो गया है, फॉलो हो जाएगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने से आपको प्रॉफिट के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे दोस्तों, अगर अभी तक आप कितने लॉसेस हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़े रहेंगे दोस्तों, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, वादा है दोस्तों, जितने लॉसेस में सब मेरे टेलीग्राम चैनल आपको कवर करवा देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलरों के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम लोग 11 प्लेयर को पिक करते हैं, उसके साथ साथ 11 प्लेयर की स्टार्ट के बारे में बता दूंगा दोस्तों, और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज जानना है तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आगे विकेट कीपर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, पहले विकेट कीपर में पिक करते हैं एलिस हेली को, क्योंकि दोस्तों भले ही 2-3 मैच में फेल हो रहे हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है दोस्तों, उसके साथ साथ विकेट कीपर कमाल के हैं। और बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं, पहले हम लोग बैट्समैनों पिक करते हैं आर्थ पट्टू को पिक कर लेते हैं दोस्तों, एक अच्छे प्लेयर है श्रीलंका के लिए। उसके साथ साथ 3 बैट्स की बात आप पिक करते हैं दोस्तों, 2 बैट्समैन हो गए, एलिस गार्डनर को पिक कर लेते हैं तो 3 बैट्समैन हो गए, उसके साथ साथ कोट्री वेब को पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग 4 बैट्समैन को पिक कर लिए, उसके साथ साथ ऑलराउंडर के बारे में बात करते हैं, पहले ऑलराउंडर में आते हैं एलिस हैरी दोस्तों। भले ये प्लेयर भी 2 मैच से फेल हो रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स, ये फेल नहीं हो रहे हैं, इस प्लेयर को बैटिंग में मौका नहीं मिल रहा है 2 मैच से, इसीलिए आपको इस तरह लग रहा है, लेकिन बॉलिंग में तो कमाल आ रहे हैं दोस्तों। तो ये प्लेयर आपको पिक करना है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके साथ साथ हैरी मैथ्यूस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ सोफ्री मायुकुलस को पिक कर लेते हैं। तो 3 ऑलराउंडर्स को पिक कर लिया और बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं दोस्तों बॉलरों में पिक कर लेते हैं। तो इंकलस्टोन को पहले पिक करते हैं, इस्माइल को पिक करते हैं दोस्तों, और लहरिस कैटली को पिक कर लेते हैं। तो हम लोग 3 ऑलराउंडर्स बॉलरों को पिक कर लिए दोस्तों। उसके साथ साथ आप 11 प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, हैली के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, 2 ही रन बना पाई थी सिर्फ 5 गेंदों में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आप जरूर पिक कीजिएगा। उसके साथ साथ गार्डनर की बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, गार्डनर है पहले में तो 43 रन बनाए थे सिर्फ 22 गेंदों में, उसके साथ साथ 3 ओवर डाल के 4 विकेट मिला था। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। तो उसके साथ साथ बैट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, बैट्स ने बनाए थे 25 रन 24 गेंदों में। उसके साथ साथ आतपट्टू के बारे में बात करते फ्रेंड्स, 17 रन बनाए थे 25 गेंदों में, और वेब के बारे में बात करते फ्रेंड्स, 2 रन बनाए थे 4 गेंदों में। तो चारों बैट्समैन अच्छे फॉर्म में दोस्तों, तो इन चारों प्लेयर्स को आपको पिक करना है। उसके साथ साथ एलिस पैरी के बारे में बात करते फ्रेंड्स, बैटिंग में कोई मौका नहीं मिला था लेकिन 1 ओवर डाले थे 0 विकेट्स मिला था। और मैथ्यूज के बारे में बात करते फ्रेंड्स, 24 रन बनाए थे 24 गेंदों में, उसके साथ साथ 3 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था दोस्तों। और माइकल लुक्स के बारे में बात करते फ्रेंड्स, आउट
आउट थे, पहली गेंद पर आउट हो गए थे, उसके साथ साथ चार ओवर डाल के जीरो विकेट्स मिला था। लेकिन फ्रेंड्स जो तीनों ऑलराउंडर्स के नाम बता रहा हूँ, तीनों ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ बॉलरों के बारे में बात करते हैं। पहले बॉलर में आते हैं इक्लोस्टोन एक इंपॉर्टेंट बॉलर दोस्तों, तो तीन ओवर डाल के दो विकेट मिला था। उसके साथ साथ इस्माइल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जीरो रन बनाए थे तीन गेंदों में, उसके साथ साथ चार ओवर डाल के एक विकेट मिला था। तो कैटले के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, दो ओवर डाल के एक विकेट मिला था। तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर भी इंपॉर्टेंट को पिक कर लिया, उसके साथ साथ स्टैट्स के बारे में भी बता दिया। तो और कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन किसको नहीं, उसके बारे में बता देता हूँ। और कैप्टन में देखते हैं दोस्तों, गार्डनर को पिक करते हैं, नो डाउट है दोस्तों, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके साथ साथ स्कोर के शोर बनाते आ रहे हैं दोस्तों। और एलिसी पायरी को हम लोग वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर भी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स एक बार मेरे टीम को देख लेने से आपको कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। तो पहले विकेट कीपर में पिक किया हाली को पिक किया, उसके साथ साथ बैट्समैन के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स हम लोग चार बैट्समैन को पिक किए, एक गार्डन है, एस बेट्स है, सी वेब है, एथपट्टू है दोस्तों। तो चार बैट्समैन हैं, उसके साथ साथ ऑलराउंडर के बारे में बात की। फ्रेंड्स एलिसी पैरी, हच मैथ्स, एस मॉल्यू किसको पिक किए, तो तीन ऑलराउंडर्स हैं। उसके साथ साथ बॉलरों के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स चार गेंद तीन गेंदबाजों को पिक किए, तो एक्लास्टोन है, कैटली है, इस्माइल है दोस्तों, तीन बॉलर्स हैं। उसके साथ साथ आपको कोई मेरा फाइनल टीम नहीं समझना होगा, मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता है, तो आपको टेलीग्राम में जाकर इस तरह सर्च करना होगा @jehofantasy करके, और जो 575 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको इस तरह क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह मैं फाइनल टीम देता हूँ, तो आपको इस तरह फाइनल टीम मिल जाएगा। तो फाइनल टीम नीचे मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, वो लिंक है माई मास्टर 11 का। और जो माई मास्टर 11 ऐप है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि लो कॉम नया ऐप है दोस्तों, उसके साथ साथ लो कॉम्पिटिशन है, तो मनी आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मनी चाहिए होगा तो माई मास्टर 11 में ज्वाइन होकर खेलिए दोस्तों। मैं खेल के आ रहा हूं, तो मनी मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो आपको भी बता रहा हूं। उसके साथ साथ ये फेक नहीं है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस तरह फाइनल टीम दूंगा, तो इसी तरह आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो टीम दे रहा हूं, आप किस किस में ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स ये 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट, उसके साथ साथ हेड टू हेड में जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों। अगर मेरे टीम को फॉलो होंगे दोस्तों, ये मेरा पक्का वादा, आप जरूर जीत सकते हैं। उसके साथ साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।